आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिबा इनू कॉइन को आपने बाय कैसे करना है, शिबा इनू कॉइन को आपने ख़रीदना कैसे है। अच्छा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है शिबा इनू कॉइन, मतलब कोई भी कॉइन ख़रीदने के वाले से, कि हम कहाँ से ख़रीदें, कैसे ख़रीदें। चूँकि आप नए नए क्रिप्टो में आए तो अभी आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ दोस्तों, कि अगर आपने अभी तक कोई भी कॉइन नहीं ख़रीदा तो आप ख़रीद कर रखें, लेकिन ख़ासकर शिबा इनू कॉइन को आप परचेज़ कर लें। ये आपको $1 के अच्छे खासे कॉइन मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इन्हें रख के परचेज़ करके, यानी कि बाय करके आप इन्हें परचेज़ कर लेते हैं, तो आप अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं, तो क्या पता आपका छक्का लग जाए, आपके $1 का आपके आइंदा आने वाले 5 से 6 महीने या साल डेढ़ साल के अंदर $10 भी बन सकते हैं। यकीन यानी आपका $100 भी बन सकता है, आपका ये डॉलर $1000 भी बन सकता है, अगर आपने इनू अपना शिबा इनू कॉइन को होल्ड करके रख लिया। ये मैं $1 की मिसाल दे रहा हूँ, एक डॉलर के लेके रख सकते हैं, $1 के ले लें, $5 के ले लें, $10 के ले लें, $100 के ले लें, $200, जितनी आपकी इस्तात है आप उतने लेके रख लें, जो पैसे आपको फिलहाल ज़रूरत ना हो, ठीक है, उनके आप लेके रख लें। लेकिन अगर आपने लेके परचेज़ करके रख भी ले, बाय करके आपने रख भी लिए, उसके बाद अगर आपने सेल करने हुए तो फौरी तौर पर सेल भी हो जाते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि अभी मैं हम लेके रख लें तो क्या आपको 6 महीने में वेट करना पड़े, तो अगर अचानक पेमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। आप फौरी तौर पर सेल कर सकते हैं। अब इसको आप हमने बाय करना है, देखें यहाँ पे वॉलेट में आ जाता हूँ। वॉलेट में आने के बाद यहाँ पर ये स्पॉट है, मैं स्पॉट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। स्पॉट पर क्लिक कर दिया और स्पॉट पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, ट्रेड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड पर क्लिक करते हैं तो आपने आ जाना यहाँ पर, देखें अब यहाँ पर ऊपर आपको देखें BTC लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैं करता हूँ शिब लिखता हूँ, SHIB, ठीक है, यानी शिबा इनू लिखता हूँ, तो शिबा इनू और USDT का हमें वो चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आप शिबा इनू और USDT का पेयर मेरे साथ सामने ओपन हो चुका है। आज शिबा इनू की प्राइस काफ़ी नीचे आई है, ठीक है, अभी हमारे पास मौका है, हम इसको परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपने लिमिट ही रख देनी है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिमिट रख देनी है या मार्केट रख दें, जिस तरह आपका अंदाज़ा है, ठीक है। लिमिट के लिए इसमें हमें लिमिट की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपने फौरी तौर पर बाय करना हो तो, ठीक है। तो मैं फौरी तौर पर बाय करता हूँ, मैं मार्केट पर क्लिक करता हूँ। मार्केट पर क्लिक करने के बाद अब ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया सेलेक्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको जितने मुझे लेने हैं उतने डॉलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये टोटल मेरे पास यहाँ अभी $14 पड़े, मैं $14 के लेता हूँ, तो $14 के देखें यहाँ पर मेरे पास $14 के ये आते हैं, जो फीस लगती है नीचे 319 शिप फीस है, और जो $14 के आएंगे ये आएंगे 4,26,062 आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपके सामने अभी $1 के ही परचेज़ कर, $1 मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब $1 के 4,26,062 कॉइन मेरे पास आ रहे हैं, मैं बाय पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर ऑर्डर लग चुका है और मैंने यहाँ पर $1 के शिप यहाँ पर परचे क्या कहते हैं इसको, अगर आपको देखना हुआ तो आपने दोबारा वॉलेट में आना, ठीक है। वॉलेट में आने के बाद तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरे शिप, यहाँ पर टोटल इतने शिप मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये टोटल शिप है, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बाय करके रखे हुए थे, तो अभी यहाँ पर ये देखें मेरे पास इतने शिप मौजूद है, ठीक है। तो आप ये शिप जितने भी आप टोकन खरीद के रखना चाहें, आप ये शिप कॉइन के करके रख लें, ये आपके लिए फ़ायदे की ही बात है, ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।